गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? सवेरे की शुरुआत हो चुकी है, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। मैं भी अभी ब्रेकफास्ट पे बैठ गई हूँ, इबू बाबा भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज है, एक्चुअली आज मैंने मूंग दाल बनाई थी, सूखी मूंग दाल, बट मैं चिकन के साथ खा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये कल की चिकन की सब्ज़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है चाय एज यूजल, और ये है रोटी, बोलो पराठा, बोलो पराठा ही बोल सकते हो उसको, रोटी तो नहीं बोल सकते। ये है पराठा, दर से सब यहाँ पे खा रहे, ये भी खा रहा है लेकिन डोरेमोन देख के। तो चलिए पहले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, फिर आप लोग बना रही दौड़ की और आलू की सब्ज़ी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आज लंच में बनेगा दौड़ की आलू की सब्ज़ी, मुझे ये खाना था, थोड़ा सा हल्का सा पतला सा शोरबा, वही मैं आज बना रही हूँ। तो चलिए सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज के लंच में बनेगा ये है तुरई दौड़ के, जिसको बोलते हैं, ये बोमबिल है जिसको मैंने धो के रख दिया, गर्म पानी में बॉयल करके वॉश करके रखा है। आलू, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अलग अलग करके रखा है, पहले इसको फ्राई करूँगी, फिर ये डालूँगी अच्छे से मसाले में भून चुकी, फिर ये डालूँगी। थोड़ा सा हल्का पतला होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं कम मसाले वाला हल्का पतला ऐसे पहाड़ी टाइप का ही खाना खाऊँगी मैं। मेरा सालन बन चुका है, अभी मैं इसको उतार लूँगी और बिठाऊँगी चावल। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मैं खराब ही नहीं हो पा रही हूँ ठीक से, तो जैसे तैसे काम कर रही हूँ मैं कंप्लीट। तो ये है मेरा सालन धोल के और आलू और वो मिल डाल के। सालन तो मैंने बना लिया है और चावल धो के रख दिया है, थोड़ी देर में बिठाऊँगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मुझे वापस सिस्ट का पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए बोलते हैं शुभ शुभ बोलना चाहिए। कुछ दिनों से मैं सिस्ट को बहुत याद कर रही थी और सिस्ट के बारे में बात हो रही थी और सिस्ट ने बोला तुमने पुकारे और हम चले आए। ऐसा कुछ नहीं है, तबीयत नरम गरम चलती रहती है, ज़िंदगी हम इंसान हैं और तबीयत तो नरम गरम चलती ही रहती है, चलती का नाम ज़िंदगी। और हम औरतों के तो नज़ारे कितने लफड़े रहते हैं, पेट में भी दर्द है, बैक में भी दर्द है, हर जगह दर्द है, कमज़ोरी है, बस स्टिल द शो मस्ट गो ऑन। हम औरतें हैं और हम में सहने की ताकत बहुत है, और भाई मैं तो कोई भी चीज़ में मैं सो नहीं सकती, लेट नहीं सकती, रेस्ट नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारियां है वो मुझे अलाउ नहीं करती है। सो इसीलिए चल रही हूँ मैं, दर्द बहुत है, काफ़ी ज़्यादा है, बट चलना है, दर्द के बहाने हमको के रहना नहीं है। सो दुआ कीजिए कि ये पेन जो है कम हो जाए, वो बीच बीच में आती रहती है, फिर जाती है, आते हैं, फिर जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है जब आती है बहुत तगड़ा वाला आता है, बट तगड़ा वाला को भी जो है पेशेंट भी तगड़ी वाली मिली है, झुकेगा नहीं साला वाला। पिछले एक साल से लेके बैठी हूँ, जब मैं सिस्ट से मेरा राइट ओवरी डायग्नोज हुआ था तब 2 mm का था, अब पता नहीं पाल घोस के मैंने कितना बड़ा किया है और अब क्या सिचुएशन है। एक साल तो हो गया, अब आज 2 दिन से एक्चुअली हल्का 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 दर्द हो रहा था, 2 दिन से चक्कर भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा। आज तो भाई सवेरे से बाय गॉड तो बैठी हूँ ना मैं, एकदम ऐसे करके बैठी हूँ, ऐसे जो दर्द है ना वो ऐसा लगता है ना कि ऐसा कोई जो पेट के अंदर की जो वो होती है ना उसको ऐसा कपड़े से ऐसा खींच के ऐसा वो मतलब एक दबा हुआ दर्द जिसको हो सकता है वैसा टाइप का दर्द हो रहा है, बट ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि 15-20 दिन 1 महीना मुझे तो छोड़ो, देखने के लिए मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, मेरे बच्चे वहाँ पे देखो खेल रहे हैं और उनका जो भी है मैं हूँ, उनके अब्बा से कुछ नहीं होने वाला। उनके अब्बा, मैं 4 दिन बिस्तर में थी पिछले साल, 4 दिन हॉस्पिटल में थी, रील वगैरह अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा जो जो लोग मेरे पुराना सब्सक्राइबर है। 4 दिन में इबू के अब्बा की जो सर है वो भरना गया था, हाँ मैंने खाना भेजे थे एक टाइम, बट क्या होता है ना अपना अपना होता है तो नहीं हो पाया, उनका खाना मुझे जमता नहीं है, इबू के अब्बा को जम जाता है, मुझे नहीं जमता है, मैं खाती भी नहीं। तो 4 दिन में इबू के अब्बा पगला गए थे और मुझे ज़बरदस्ती ठूस रहे थे कि खाओ, तुम ठीक नहीं होगी, तुम्हें परेशान हो चुका हूँ, इधर इबू को देखना, इधर मुझे देखना, सारी चीज़ नहीं हो पा रहा था इबू के अब्बा से, तो इसीलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, जब तक सह सकती हूँ, मतलब जब तक गाड़ी खींच सकती हूँ मैं खींचूँगी ज़रूर, तो वैसे वाला सीन है, देखते अब क्या कहाँ तक क्या होता है। और बाकी मुझे पता है वो जो बैठा है ना आसमान पे,
वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। वो मुझे जो है ना हर चीज़ से ऐसे बचा बचा के लेके आ जाते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो वो है, कुछ होने वाला तो है नहीं, बट ये कि थोड़ा बहुत तो लाइफ में देखो ऊंच नीच चलता ही रहता है। अब अंबानी के लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जो हमको नहीं पता है, मीडिया को नहीं पता, बट है, हर किसी के लाइफ में है। तो अगर ये देख के हम बोलेंगे हाय मेरे साथ ये हो गया, तो फिर आगे चल ही नहीं पाएंगे। दर्द है तो है भाई, दर्द में ही मुस्कराना है इनके लिए, है ना? मामा वो है दे जाओ कूलर के सामने बैठ के फिर तो कुछ दूध पिला रहा है, नहलाना है, तो इनके लिए तो चलना ही है भाई। मेरी बेटी का स्कूल 20 तारीख से खुल गया है, मैं सोच रही 1 तारीख से भेजूंगी भी, अभी तो बच्चे इतना ज़्यादा होंगे नहीं। प्रिंसिपल सर से मैंने बात की हुई है, तो 1 तारीख से भेजूंगी सोच रही, आज ही भेजने वाली थी, बट मेरा इतना ज़्यादा पेन है ना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत मुश्किल से बुक अबा को ब्रेकफास्ट कराती, मैंने जो है उनको ड्यूटी पे भेजा है, और गुनों को भी भेज दूँगी तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। और वैसे मेरे बच्चे कम ही आ रहे होंगे, 20 से खुला है, 1 तारीख से भेजूँगी मैं सोच रही हूँ। उसके कॉपीज़ वगैरह भी लाने हैं, तो नोट्स वगैरह लिखने का जो भी सब चीज़ें भी देंगे, तो देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। अभी तो फिलहाल मैं बच्चे पिला देती हूँ, नहला देती हूँ, बाकी सारी चीज़ें समेट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दुआ कीजिए बस दर्द कम हो जाए, क्योंकि दर्द जो है ना मैं आपको बता नहीं सकती किस लेवल का दर्द होता है। वो दो तीन दिन बाद मतलब दो तीन नहीं, काफ़ी झूठ नहीं बोलूँ, काफ़ी महीने बाद मेरे को ये दर्द आता है, रिटर्न होता है, फिर मैं 2-3 टाइम का दवाई लेती हूँ, फिर चल जाता है, फिर मैं बस ठीक हो जाती, फिर ऐसा चलता रहता है। डायरेक्ट डॉक्टर ने बोला था ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, ढूंढा नहीं खाना, बट अब भाई मैं औरत हूँ और मेरे घर में सब बनता है तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा। रिमेनिंग जो सब्जियां रहती है तो मैं फेंक नहीं सकती, तो डायट तो मैं सच कुछ फॉलो नहीं करती जो डॉक्टर ने बोला है। जब दर्द होता है तो मेडिसिन लेती, दर्द कम होता है तो मेडिसिन छोड़ देती, क्योंकि दिन में 14 टैबलेट होता है 3 टाइम का, दूसरे टाइम पे पाँच करके फिर 4। अभी आज बुक अब लेके आएंगे तो टोटल आई गेस 290 समथिंग का टैबलेट आता है, उसमें से मोस्टली एंटीबायोटिक रहता है। सो और वो खाने के बाद बहुत चक्कर आते हैं, बहुत नींद भी आती है, उस टाइप का होता है। मुझे तो वही ऐसे ही होता है, बाकी उनको पता नहीं किस किस के किस टाइप कैसे कैसे एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मुझे बताना, लेट मी नो, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाए। और चलिए मैं बाकी सारी चीज़ें कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर उधर उधर मैं पानी, मेरा बच्चा नहा धो के हो चुका है तैयार, अब अनम जाएगी नहाने, चलो उसको नहला दिया मैंने, अब इसको खिला दूंगी, तो मेरा बच्चा अभी खाना खाएगा। खाना लेके आ गई हूँ मैं, है हाँ मेरा शहजादा खाना खाएगा, तो चलिए हाँ तुमको नहीं देंगे हम, खाना खा लेंगे पूरा, तो चलिए उसको खिला देती फिर मैं आप लोगों से मिलती। मैंने साफ़ कर दिया, सूख भी गया है क्योंकि दोनों साइड से खिड़की खोल के दे दी। मेरे घर में माशाल्लाह से इस घर में रोशनी और हवा बहुत अच्छी से आती है माशाल्लाह, इसीलिए इस घर को छोड़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें अंधेरा नहीं होता है। मेरा बच्चा अभी दूध वूध पी चुका है, अब मैं करूँगी घर साफ, झाड़ू मारूँगी। आज मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैं पोछा नहीं मार सकती, बैक टू बैक मारा है कुछ दिन, तो आज पोछा नहीं मारूँगी, सिर्फ झाड़ू मारूँगी, और कपड़े थोड़े बहुत है वो भी आज नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो चलिए झाड़ू वाड़ू मार के मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नहा धो के आ चुकी हूँ, आज सोचा था कपड़े नहीं धोऊंगी, बट थोड़े बहुत कपड़े से तो मैंने धो दिए, मैंने बोला लाओ चलो धो देती हूँ, या फिर कपड़े धो के दिए क्योंकि कल पोछा भी मारूंगी और कपड़े आज जमा कर रही हूँ, फिर कल के भी निकलेंगे आए तो बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे और मेरे ऊपर ही लोड आएगा, तो जिस वजह से मैंने आज कपड़े धो दिए हैं। तो चलिए अभी बाकी की सारी चीज़ें जो डेली का होता है वो कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। ये मेरा हो गया खाना कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी खा रही है, मेरा हो गया, अभी मैं अपने बेटे को सुलाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। बच्चे सो गए हैं और कपड़े भी मैंने पसार दिया है, कपड़े आज जैसे तैसे पसारा है, मैं अंदर जान ली बच्ची, देख सकते हो आप लोग कपड़े पसार दिए, जैसे तैसे पसारा मैंने, और अभी शायद मैं रिएक्शन वीडियो शूट नहीं करूँगी, मन तो है क्योंकि मैं काम से भागती नहीं हूँ और मेहनत करना जो है मेरे खून में है। तो बहुत लोगों को लगता होगा अरे इसकी तबीयत ख़राब है बोलती है, फिर भी ये वीडियोज़ का आता है,
तो ऐसा है कि तबीयत ख़राब के बहाने अगर बैठी रहूँगी तो ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, चलती का नाम ज़िंदगी है। और मैंने उस वक्त भी अपना काम किया है जब मेरा बेटा अभी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के छठवें दिन मेरा बेटा आईसीयू में था, बेबी आईसीयू, एनआईसीयू जिसको बोलते हैं। छठवें दिन हम माँ बेटे को डिस्चार्ज मिला, हम छठवें दिन शाम को घर पे आए। जब शाम को घर पे आई पूरा किचन में बर्तन बर्तन था, बाप बेटे खाए थे, पूरा बिस्तर उलट पुलट था, पूरा घर मतलब कि तहस नहस होकर रखा था 6 दिन में। मैं घर में आई, बच्चा रखे, बैग बाहर ही रखे हॉस्पिटल के जो भी सर थे। फिर सबसे पहले तो मैं नहाई, अबू को डेटॉल के पानी से, गर्म पानी से पुछाया, फिर पूरा घर साफ किया। पूरा घर आए हम 4:30-5 बजे और सबको साफ करते थे तो मुझे 8-9 बज गए थे। उसके बाद अपनी खिचड़ी बनाई और नहाया भी बहुत तकलीफ से, क्योंकि पेट में बैंडेज था, इतना मोटा पेट में टाँके थे। तो उस टाइम पर से ना मैं काम कर रही हूँ, पेट में टाँके लेके सी सेक्शन का डिलीवरी, चलने में इंसान को तो सी सेक्शन होता है, उसके बाद जब खड़ा होकर इंसान चलता है, ऐसा लगता हम पहली बार चल रहे हैं, ज़िंदगी का पहला स्टेप दे रहे हैं। सोचो उस टाइम पे मुझे उठने में, बैठने में, बच्चों को दूध भी पिलाना होता था, बहुत काफ़ी सारी चीज़ों में कितनी तकलीफ थी, बट उस टाइम पे मैंने मैनेज किया। और उस टाइम से मैनेज करते करते मेरे दोनों बच्चों को पालना संभालने, क्योंकि अब्बा को काम पे भेजना, बहुत सारी चीज़ें थी। तब उनका अब्बा कंपनी में जाते थे, मॉर्निंग शिफ्ट करते थे, तो और मॉर्निंग शिफ्ट डिलीवरी से पहले भी 9वां महीने का पेट ले लेके भी इब्बू जनवरी में सर्दियों के मौसम में भी मैं इब्बू कप्पा को 5-5 बजे उठ के डब्बा बना कर देती थी, क्योंकि हमारे पास पैसे उस टाइम पे होते नहीं थे कि बाहर कैंटीन से कुछ खा ले। वो खा के भी जाते थे, 6 बजे का उनका शिफ्ट होता था और डब्बा लेके भी जाते थे, तो वैसा टाइम मैंने बिताया। तो अब ये जो भी सारी चीज़ें, थोड़ी मोटी जो छोटी मोटी बीमारी है ना, उस वो मेरे आंख को नहीं लगता, क्योंकि मैंने वो वक्त गुजारा है। तो इसीलिए और मेरे में ना आदत नहीं, मैं बिस्तर में अगर पड़ी रहूँ ना तो मुझे बहुत मतलब इरिटेशन फील होता है, मैं एक जगह पे लेटी रह ही नहीं पाती हूँ। इब्बू का अब्बा ये चीज़ को लेकर भनभन करते हैं, मैं घर गंदा रख ही नहीं पाती हूँ, मेरे अगर चक्कर भी आ रहे ना तो मैं घर गंदा रख के सो नहीं पाऊँगी, बस मुझे नींद ही नहीं आएगी। सोना तो बहुत दूर की बात है। इब्बू का अब्बा बोलते हैं, मैं बोलते ना पैर पोछ के आओ, पैर धो के आओ, इधर बैठो उधर बैठो, मैं इधर पोछो मारी, इधर पैर नहीं रखना। तो इब्बू का अब्बा बोलते कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं आर्मी कैंप पे ट्रेनिंग थी। पहले ये सब चीज़ों को लेकर हमारे बीच में बहुत क्लैशेज होते थे, ये पोछा पाछा, साफ़ सफाई, पैर धोना, हाथ धोना, क्योंकि इनकी अलग अपब्रिंगिंग है, हमारे अलग अपब्रिंगिंग है, अपना अपना लाइफ स्टाइल है। तो मन तो मेरा है कि मैं रिएक्शन वीडियो शूट करूँ, लेकिन जो ताकत है ना शरीर, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। शरीर बोले कि ऐसा सो जाए, मन बोले कि ऐसा बना के, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, या फिर मैं सो जाऊँगी अगर मेरा वीडियो रिएक्शन वीडियो 5 बजे तक नहीं आया तो। हाँ, तो बात करते करते आपा का कॉल आ गया था, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ही कैंड करती हूँ। तबीयत का तो मुझे पता नहीं है, मैं रिएक्शन वीडियो शूट करूँगी कि नहीं करूँगी, मोस्ट प्रॉब्लम मैं करूँगी या फिर नहीं भी कर सकती हूँ, क्योंकि पुरानी बीमारी वापस मुझे बुला रही है। अब पता नहीं क्या होगा, बस दुआ कीजिए कि ये दर्द कम हो जाए। इब्बू का अब्बा रात को दवाई लेके आएंगे, दवाई लेंगे तब जाके ये कम होगा। पर्ची का फ़ोटो खींच के मैंने इब्बू का अब्बा को भेज दिया है, आते आते वो दवाई लेके आ जाएंगे 9:30 बजे के आसपास। अभी का जो ब्लॉग में मैं यहीं पर एंड करती, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्वामी याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी कम आ रही होगी, क्योंकि मुझे अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही, बट उससे जितना हो सका मैंने उतना बोल के आप लोगों के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी थोड़ा फट आप लोग भी लगा लीजिए, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल वाईफाई, और फलस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।